देखो पवनी तो दोस्तों बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों कैसे हो आप सब, आशा करता हूँ ठीक होंगे। तो दोस्तों फिर मैं जिस तरह स्टेटस को देखा है, इस तरह स्टेटस आप भी बनाना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखिए। ये सॉन्ग है, ये सॉन्ग इंस्टाग्राम पर बहुत ही ट्रेनिंग में है। तो दोस्तों अब भी इस तरह स्टेटस बनाना चाहते हो, वीडियो क्लिप देखे लिरिक्स स्टेटस बनाना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखिए। एकदम आसान है इस स्टेटस को बनाना, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे इस चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अच्छा लगता है, खराब लगता है, कमेंट भी कर दीजिए। और वीडियो बनाने में कोई भी दिक्कत है तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और मेरे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं जो PNG वगैरह जो कुछ मैं यूज करने वाला हूँ सभी आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। और जो मैं इफेक्ट फोन और वीडियो क्लिप जो यूज करने वाला हूँ वो सभी चीज़ मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो उधर से डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस स्टेटस को बनाने के लिए एलाइट मोशन ऐप को ओपन करना होगा। तो मैं एलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेता हूँ, तो देख सकते हो मैं एलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लिया हूँ। तो आप भी एलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेना। और एलाइट मोशन में आने के बाद यहाँ पर जो प्रोजेक्ट ऑप्शन है, प्रोजेक्ट ऑप्शन में आना होगा। और जो सॉन्ग बिटमार्क प्रोजेक्ट और जो इफेक्ट प्रोजेक्ट है, ये दोनों प्रोजेक्ट को मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना। और ये दो प्रोजेक्ट को कैसे डाउनलोड करते हैं वो अगर नहीं जानते तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो लिंक देखने को मिल जाएगा। बिटमार्क को कैसे डाउनलोड करना है उस वीडियो को देख लेना तो समझ में आ जाएगा ये दो प्रोजेक्ट को कैसे डाउनलोड करते हैं। तो सबसे पहले देखो, जो सॉन्ग बिटमार्क प्रोजेक्ट है, ये सॉन्ग बिटमार्क प्रोजेक्ट को आपको ओपन करना होगा। तो सॉन्ग बिटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन करने के बाद इस प्रोजेक्ट का इंटरफेस कुछ इस तरह आपको देखने को मिल जाएगा, देख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना होगा, देखो जो फर्स्ट में जो ये दो लेयर है, देखो ये दो लेयर को कुछ भी छेड़खानी आपको नहीं करना है। और जो बीट में देकर रखा हूँ, ये बीट के हिसाब से आपको वीडियो क्लिप और लिरिक्स ऐड करना होगा। तो ये लेयर को भी, सॉरी ये बीट को भी कुछ भी छेड़खानी आपको नहीं करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये जो सेकंड बीट है, ये सेकंड मतलब यहाँ पर जो 1.01 सेकंड में जो बीट है, ये बीट में आपको आना होगा। और ये बीट में आने के बाद दोस्तों यहाँ पर वीडियो क्लिप ऐड करना होगा। और मैं जितने सारे वीडियो क्लिप यूज करने वाला हूँ सभी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो उधर से डाउनलोड कर लीजिए। सबसे पहले देखो एक वीडियो क्लिप ऐड करना होगा। तो वीडियो क्लिप ऐड करने के लिए प्लस ऑप्शन को टच करना, मीडिया ऑप्शन में आना होगा। और ये जो वीडियो क्लिप है, ये वीडियो क्लिप देखो, एक वीडियो क्लिप को ऐड कर लेना। तो देखो मैं एक वीडियो क्लिप ऐड कर लिया हूँ, तो आप भी एक वीडियो क्लिप ऐड कर लेना। वीडियो क्लिप ऐड करने के बाद दोस्तों वीडियो क्लिप प्लेयर को टच करना होगा, वॉल्यूम ऑप्शन को टच करना होगा और ऐसा करके जीरो करना होगा। अगला बीट में आना होगा, ये जो वीडियो क्लिप प्लेयर है, ये प्लेयर को टच करना और इधर से बाकी पार्ट कट करके हटा देना। तो देख सकते हो हमारा जो फर्स्ट जो वीडियो क्लिप है वो ऐड हो चुका है। तो सेकंड वीडियो क्लिप ऐड करने के लिए फिर से अगला बीट में आपको आना होगा, प्लस ऑप्शन को टच करना होगा, मीडिया ऑप्शन में आना होगा और फिर से और एक वीडियो क्लिप को यहाँ पर ऐड कर लेना। वीडियो क्लिप ऐड करने के बाद दोस्तों अगला बीट में चले जाना, वीडियो लेयर को टच करना, वॉल्यूम ऑप्शन को टच करके इस वीडियो का वॉल्यूम जो है वो जीरो कर देना। उसके बाद यहाँ से बाकी का पार्ट कट करके हट देना। तो दोस्तों ऐसा करके आप ये जो वीडियो क्लिप है वो वीडियो क्लिप को ऐड कर लेना ये बीट में। तो ये मैं बीट में सभी वीडियो क्लिप ऐड करने के बाद आपको मैं दिखाता हूँ। तो देख सकते हो मैं सभी बीट में वीडियो क्लिप ऐड कर लिया हूँ। तो अभी सभी बीट में वीडियो क्लिप को ऐड करना। और वीडियो क्लिप ऐड करना हो जाने के बाद दोस्तों देखो आपको क्या करना होगा, देखो ये जो लिरिक्स है, सॉन्ग लिरिक्स वो लिखना होगा। तो सॉन्ग लिरिक्स लिखने से पहले जो वीडियो क्लिप है इसमें आपको इफेक्ट देना होगा। तो वीडियो में इफेक्ट देने के लिए एक बार बैक हो जाना और जो इफेक्ट प्रोजेक्ट है इसमें आपको आना होगा। इस प्रोजेक्ट में आने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो फोटो लेयर है, फोटो लेयर को टच करना, इफेक्ट ऑप्शन में आना होगा, थ्रीडोट को टच करके कॉपी इफेक्ट कर लेना। उसके बाद दोस्तों बैक हो जाना और जो सॉन्ग बिटमार्क प्रोजेक्ट है इसमें फिर से आ जाना। और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर जितनी सारी वीडियो क्लिप है सभी वीडियो क्लिप में ये इफेक्ट को पेस्ट करना होगा। तो वीडियो क्लिप लेयर को टच करना, इफेक्ट ऑप्शन में आना होगा, थ्रीडोट को टच करके पेस्ट इफेक्ट कर देना। तो ऐसा करके जो वीडियो क्लिप है ये वीडियो क्लिप में ये इफेक्ट को दे देना ऐसा करके एकदम एंड तक। देखो ऐसा करके वीडियो क्लिप में इफेक्ट दे देना एकदम एंड तक। और इफेक्ट देना हो जाने के बाद दोस्तों अब क्या करना होगा, देखो यहाँ पर जो सॉन्ग लिरिक्स है वो लिखना होगा। तो सॉन्ग लिरिक्स लिखने के लिए सॉन्ग को सबसे पहले आपको प्ले करके सुना होगा, तो सॉन्ग को प्ले करके सुन लेना। तो देखो मैं आपको सुना देता हूँ। तो सॉन्ग को सुनने के बाद दोस्तों प्लस ऑप्शन को टच करना, डबल टेक्स्ट में आ जाना और इधर से सॉन्ग लिरिक्स को लिख लेना। तो मेरा प्ले सी लिखा है, उधर से मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करने वाला हूँ। तो देख सकते हो जो लिरिक्स है, ये लिरिक्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, उधर से कॉपी करके नोटपैड ऐप में पेस्ट करके रख लेना। और जो फर्स्ट जो मतलब फर्स्ट जो लाइन है वो कॉपी करना होगा।
तो देखो ऐसा करके फर्स्ट जो लाइन है वो कॉपी कर लेना, और कॉपी करने के बाद दोस्तों फिर से लाइट मोशन में आ जाना, और लाइट मोशन में आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको पेस्ट करना होगा। तो यहाँ पर लेयर को पेस्ट कर देना। तो देखो हमारा जो लिरिक्स है वो यहाँ पर आपको पेस्ट करना होगा, तो यहाँ पर पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन है यहाँ पर एक बार टच करना होगा, और यहाँ पर जो रोबोटो रेगुलर जो ऑप्शन है यहाँ पर टच करना, और जो फोन है ये फोन को सिलेक्ट कर लेना। फोन को सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो 18 बिट ऑप्शन है यहाँ पर टच करना, और इसका जो साइज है इसका साइज अपने हिसाब से रख लेना। तो देखो मैं यहाँ पर 1-2 PT रखने वाला हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो बॉक्स यहाँ पर टच करना, और इधर से व्हाइट कलर को सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दो बार टिक ऑप्शन को टिक करना होगा, और एकदम लास्ट में आना होगा। लास्ट में आने के बाद जो ऑप्शन है यहाँ पर टच करना होगा। तो दोस्तों आप क्या करना होगा, देखो ये जो बीट है ये बीट के हिसाब से ये लिरिक्स लेयर को मिड कट कर लेना ऐसा करके। तो ऐसे करके एकदम एंड तक मिड कट कर लेना, और मिड कट करना हो जाने के बाद दोस्तों देखो यहाँ पर जो फर्स्ट जो हमारा जो लिरिक्स है वो तो ऐड हो चुका है। तो सेकंड लिरिक्स लिखेंगे, तो सेकंड लिरिक्स लिखने के लिए सॉन्ग को फिर से प्ले करके सुन लेना। तो देखो मैं आपको सुना देता हूँ। तो ये लेयर को टच करना लिरिक्स चेंज करने के लिए, और डबल एडिट टेक्स्ट में आ जाना, इधर से पहले हटा देना। इसको हटाने के बाद दोस्तों फिर से नोटपैड ऐप में आ जाना, और अगला जो लाइन है वो कॉपी कर लेना। उसके बाद फिर से लाइट मोशन में आ जाना। लाइट मोशन में आने के बाद दोस्तों यहाँ पर पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद दोस्तों देखो यहाँ पर पेस्ट कर देना, और पेस्ट करने के बाद और कुछ भी छेड़खानी आपको नहीं करना है, खाली किक ऑप्शन को टिक करना है। तो ऐसा करके आप सॉन्ग लिरिक्स को लिख लेना, और सॉन्ग लिरिक्स लिखने हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो लिरिक्स है इसमें इफेक्ट देंगे। तो लिरिक्स में इफेक्ट देने के लिए एक बार बैक हो जाना, और देखो यहाँ पर जो इफेक्ट प्रोजेक्ट है इसमें आ जाना, इफेक्ट प्रोजेक्ट में, और यहाँ पर मेरा नाम का जो लेयर है ये लेयर को टच करना, और जो इफेक्ट ऑप्शन है उधर आ जाना, थ्री डॉट को टच करना, और इधर से कॉपी पेस्ट कर लेना। उसके बाद दोस्तों बैक हो जाना, और फिर से देखो ये जो सॉन्ग बीट मार प्रोजेक्ट है इसमें आ जाना, और यहाँ पर जितने सारे लिरिक्स लेयर है सभी लेयर में ये इफेक्ट को ऐसा करके दे देना। देखो तो ऐसा करके ये लेयर को टच करना, इफेक्ट ऑप्शन में आ जाना, थ्री डॉट को टच करके पेस्ट इफेक्ट कर देना। तो ऐसा करके यहाँ पर जो लिरिक्स रहेगा उसमें ये इफेक्ट को दे देना, और इफेक्ट देना। कंप्लीट हो जाने के बाद दोस्तों फर्स्ट में फिर से आ जाना, प्लस ऑप्शन को टच करना, मीडिया ऑप्शन में आना होगा, और यहाँ पर जो पीएनजी बॉर्डर है तो ये वाला पीएनजी बॉर्डर को ऐड कर लेना, और पीएनजी बॉर्डर को ऐड करने के बाद दोस्तों एकदम लास्ट में आ जाना, ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच कर देना। तो दोस्तों ऐसे करके आप स्टेटस को बना लेना, और स्टेटस बना हो जाने के बाद इसको एक्सपोर्ट करना होगा। तो वीडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए देखो ऊपर में जो शेयर ऑप्शन है यहाँ पर टच करना होगा, और इधर से वीडियो को एक्सपोर्ट करना होगा। तो दोस्तों मेरा आज का वीडियो इतना था, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद।